ये था स्कूल द लाइफ स्टैंडर्ड स्कूल सिस्टम, ये सर प्रिंसिपल साहब ने और ये साहब हैं और इधर मैम हैं। माशाल्लाह काफ़ी अच्छा रहा, मैंने विज़िट किया, बहुत अच्छा लगा कि शलवार उतार के छोटी सी चुंटी काटी है तो इसे एहसास हुआ कि मुझे टीका लगा, तभी खुश हो गया, वरना सारा रास्ते हम तंग करता। चलो अब तो अब फिर घर चलते हैं। ये देखो असल में सुसु कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। वेलकम करता हूँ आपको न्यू ब्लॉग में। अभी 7 बज गए हैं और अभी जागे हैं हम। अभी बच्चों की तैयारी चल रही है, उम्मे अमन तैयारी कर ली है और मुआज़ तैयारी कर रहा है अभी, और सामने मेरे साथ भाई ये भी तैयारी करेगा क्योंकि हमारे साथ अक्सर जाता है। एक मसला मेरे साथ पेश आया है, अभी मेरी कमर में काफ़ी सारा दर्द है, कमर का कोई मसल फ्रैक्चर हो गया जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है मुझे। काफ़ी देर से मैंने पट्टी की हुई है तकरीबन, ये देखे मैंने, ये नज़र आ रही होगी आपको, गर्म पट्टी मैंने की हुई है तो अभी तकरीबन चला नहीं जा रहा। जैसे ही चलता हूँ या सांस लेता हूँ तो काफ़ी सारी दिक्कत पेश आती है। आपने कल मेरा व्लॉग देखा होगा पिछला, उसमें मैं इफ्तिताह के लिए गया था AFC पॉइंट, फूड पॉइंट एंड रेस्टोरेंट होटल वगैरह पे। उसके बाद काफ़ी सारे काम थे जो मैंने निपटाए थे, काफ़ी अच्छा दिन गुजरा था माशाल्लाह। अगर नहीं देखा तो ज़रूर देखिएगा। तो आज का सीन कुछ यूँ है कि आज हमने जाना है बच्चों के स्कूल, वहाँ पे आज इनकी वीडियो वगैरह बनानी है। स्पेशल स्कूल के हेडमास्टर ने मुझे इनवाइट किया, उन्होंने कहा था कि आप हमारे स्कूल में आएँ और कुछ वीडियो शूट करनी है, मतलब कुछ क्लासेस की और स्कूल की ड्रोन के साथ भी, जो कि मैंने उनका एक ऐड तैयार करना है। तो मैंने कहा था कि मैं ज़रूर आऊँगा आज इंशाल्लाह। अभी सेहत नासाज है, चला नहीं जा रहा, सांस भी नहीं लिया जा रहा, लेकिन अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। अभी हम भी तैयारी करते हैं, चेंज करते हैं और हल्का फुल्का नाश्ता करते हैं और फिर चलते हैं स्कूल। और ये सादिया रानी सॉरी साद भाई भी तैयार हैं, ये नकल कर लेता है जब भी उम्मे तैयारी करती है, दुपट्टा ओढ़ती है तो ये भी वैसे नकल कर लेता है कि कहता है कि मैं भी वैसा दिखाऊं। तो अभी माशाल्लाह रेडी हैं बच्चे, रेडी हैं, मैं रेडी होता हूँ और फिर चलते हैं स्कूल। वहाँ का जो भी सीन होगा, जो भी थोड़ा बहुत टच होगा, मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगा। हमारे साथ रहिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और क्योंकि घर हमारा वहीं का वहीं रुक गया था क्योंकि सामान इसके ऊपर डालने वाला नहीं मिला था हमें अभी, तो लेके आना था इसलिए अभी ये रुका हुआ है। जैसे मुकम्मल करेंगे और फिर मुर्गियाँ हम ले आएंगे। और फाल से माशाल्लाह काफ़ी अच्छे हो चुके हैं, इन्हें तकरीबन फूल लग रहे हैं और फल भी लगेगा। जो घास है हमारा माशाल्लाह उस तरफ तो हो गया काफ़ी सारा ज़्यादा, क्योंकि उस तरफ पानी लगता है, इस तरफ पानी लगता, जिसकी वजह से ना ये इस तरफ थोड़ा कम है। मैं अमन तैयारी हो गई मुकम्मल जी, आज तैयारी मैंने कर ली है और चेंज भी कर लिया, अभी नाश्ता करना बाकी था लेकिन टाइम बहुत कम है मेरे पास। अभी स्कूल लग गया है और मैसेज भी आ गया मुझे कि आप आ जाए, और बच्चों के लिए चलते हैं स्कूल में और वहाँ पे चल के जो शूट होगा वहाँ वो करते हैं। बस मुझे सबसे ज़्यादा दिक्कत आज ये आ रही है कि मेरी जो कमर का मसला है ना वो ज़्यादा तंग कर रहा मुझे, कमर में भी नहीं थोड़ा इस जगह पे करके मसल का मसला है, बहुत ज़्यादा खिंचाव दे रहा है, मुझसे बोला नहीं जा रहा, चला भी जा रहा, ना झुका जा रहा है, ना लेटा जा रहा है, ना बैठा जा रहा है, काफ़ी सारी दिक्कत का सामना मुझे करना पड़ रहा है, लेकिन अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह, जल्दी सेहत मिलेगी इंशाल्लाह। क्योंकि आज जुम्मा भी पढ़ना है तो हो सकता है कि दिक्कत काफ़ी आए, लेकिन इंशाल्लाह जुम्मे तक सही हो जाऊँगा इंशाल्लाह। मैंने अभी विंटोजिनो लगा के ऊपर गर्म पट्टी की थी पहले काफ़ी देर के लिए, अभी दोबारा फिर करूँगा वापसी पे आ गए तो इंशाल्लाह मैं तंदुरुस्त हो जाऊँगा इंशाल्लाह। तो अब निकलते हैं फिर स्कूल चलते हैं और वहाँ पर चल के शूट करते हैं। बाइक का भी काम मुकम्मल हो गया था मेरा, कल इसकी वायरिंग चालू करवानी थी, बैटरी वगैरह डलवानी थी और इसके अलावा इसकी जो फ्रंट लाइट है ये चेंज करवाई है मैंने। बाय, ओके बाय। ओके सर, कह रहे हैं कि अभी प्रे हो रही है, प्रे के बाद
अभी करते हैं नाश्ता और उसके बाद फिर चलते हैं शॉप पे, कैमरे वगैरह उठा के फिर चलते हैं मस्जिद में। आज खाने में बना है गोश्त और गर्मा गर्म रोटी, लेकिन सालन ठंडा हो गया, अभी लाइट आती है तो फिर गर्म करते हैं। अगर हम ओवन में गर्म करेंगे, सिलेंडर में अभी गैस नहीं है, भरवाने के लिए जाएंगे तो काफ़ी देर हो जाएगी, और जुमा भी है और शॉप बंद होंगे, तो ओवन में सालन गर्म करते हैं। आज पढ़ के अल्हम्दुलिल्लाह शॉप से वापस आ गए थे अभी, तो अभी ले जाना है मेडिसिन सरकारी अस्पताल से, मेरी भी और माज भाई की भी। माज को थोड़ा सी एलर्जी थी, उसकी मेडिसिन वहाँ से मिल जाती है माशाल्लाह सरकारी अस्पताल से, और मैंने इंजेक्शन लगवाना है क्योंकि मेरी वो मसल्स का मसला था। तो इंशाल्लाह आप चलते हैं और मेडिसिन लेके आते हैं। बाय बाय। चलो मैं बाय बाय, दरवाज़ा बंद करता हूँ। हमें इंजेक्शन जल्दी से लग गया था, मुआज़ को भी लग गया था और मुझे भी इंजेक्शन लग गया था, और ये साथ भाई बार बार तंग कर रहे थे कि मुझे इंजेक्शन लगाओ। अब हमने इसका हल ये किया था कि शलवार उतार के छोटी सी चूंटी काटी है, तो इसे एहसास हुआ कि हमें जो टीका लगा तब ये खुश हो गया, वरना सारे रास्ते हम तंग करता। अब तो अब फिर घर चलते हैं। ये देखो अस्पताल में सुसु कर रहे हैं।